जनपद अमेठी में ग्राम प्रधान द्वारा फ्रॉड का दोष सिद्ध होने के बावजूद भी अभी तक नहीं हो सकी कार्रवाई। शासन द्वारा तमाम तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है, जिसमें आम जनता लाभवंत हो सके, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत ग्राम प्रधान के द्वारा तमाम तरह की अनियमितता लगातार देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते जनता एवं समाज हित की बात तो कोशों दूर रहती है। ऐसा ही एक मामला अमेठी जिले के सदर तहसील व ब्लॉक गौरीगंज के ग्राम सोभई में देखने को मिला, जहां पर खुद ग्राम प्रधान ने सभा की जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए उस पर बिल्डिंग बनवा लिया और उस बिल्डिंग को कूट रंजित ढंग से एग्रीमेंट करके उत्तर प्रदेश बड़ौदा का पूर्वी बैंक सुपुर्द कर 4000 प्रति माह पिछले 5 वर्षों से किराया भी वसूल कर रहे हैं। खुद को समाज का भला मानुष तथा अगुआ के साथ साथ समाज के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस पूरे मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ के आदेश के अनुक्रम जिलाधिकारी अमेठी द्वारा संबंधित ग्राम प्रधान को 22 जुलाई को पत्र लिखकर साफ तौर पर अवगत कराया कि आपके विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र के आधार पर जिला कृषि अधिकारी के द्वारा जाँच कराई गई। जाँच में उपलब्ध कराई गई आख्या के परीक्षण उपरांत आप कूट रंजित दस्तावेजों के आधार पर बड़ोदरा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सिंभुई के साथ किराए जारी का अनुबंध करके प्राप्त किराए की रकम का उपयोग करने, अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा करने के साथ साथ पदेन दायित्व के निर्वहन में चूक बरतने के प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं। अतः आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अंतिम मौके के रूप में 15 दिनों का समय दिया जाता है। ऐसे में यदि आपके द्वारा किसी प्रकार का मक़ूल जवाब न मिलने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में निर्वहित प्रावधानों के अंतर्गत अग्रिम दस्तावेज कर प्रधान पद के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों को प्रतिबंधित करते हुए ग्राम पंचायत के 3 सदस्यों की समिति गठित कर दी जाएगी। बस इतना होने के बावजूद अभी तक आरोपी ग्राम प्रधान के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। है आपका और किस गांव से हैं, क्या समस्या है? सर, मैं मनीष तिवारी, ग्राम सभा सिंभुई, विकासखंड गौरीगंज, जनपद अमेठी का निवासी हूं। मेरे ग्राम सभा के वर्तमान ग्राम प्रधान भूपेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गाटा राज्य ग्राम पंचायत सिंभुई की गाटा संख्या 513 जो नवीन पार्टी के खाते की भूमि है, जिस पर ग्राम प्रधान द्वारा अवैध रूप से व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना करके कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर उनके द्वारा बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से अनुबंध करके 4000 रुपये प्रतिमाह किराया लिया जा रहा है और वो किराया ग्राम प्रधान द्वारा अपने निजी उपयोग में निरंतर प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय अमेठी के समक्ष प्रस्तुत की गई, परंतु अपेक्षित कार्रवाई न हुई उस पर नहीं की गई, जिसके बाद मैंने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ की खंडपीठ में एक रिट आयोजित की, जिस पर न्यायालय द्वारा आदेश हुआ कि जिलाधिकारी अमेठी 3 महीने के अंदर इसका निस्तारण करें। सर, 3 महीने पूरा हो जाने के बाद निस्तारण किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान जांच में दोषी पाए गए, परंतु अभी तक उनके खिलाफ कोई त्वरित का कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई। आपसे निवेदन है कि इस कार्रवाई को तत्काल पूरी करवा के जो भी दोषी हों इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। क्या चाहते हैं, इस पर दोष किसका अभी है कि कहां से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, रुकावट कहां? सर, जिलाधिकारी अमेठी के समक्ष चूँकि डायरेक्शन तो जिलाधिकारी अमेठी को हुआ है और मामला भी DPRO अमेठी से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी अमेठी को मैंने जो भी जांच रिपोर्ट थी मैंने वहाँ उनके उनके चैम्बर में उनके पास पहुँचा दिया है, परंतु अभी तक जिलाधिकारी अमेठी द्वारा कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, एक ये शिकायत की हमको प्राप्त हुई थी कि सिंभुई ग्राम प्रधान जो है उन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके उस पर एक अवैध निर्माण कर लिया है और इसके पश्चात उस शिकायती पत्र की जांच की गई थी जो कि जिला कृषि अधिकारी द्वारा की गई थी। उनकी प्रिलिमिनरी जो जांच थी, प्रारंभिक जांच थी, उसमें कुछ आरोपों की पुष्टि भी हुई थी। इसके पश्चात के जो ग्राम प्रधान उनको नोटिस जारी किया गया था और 22 जुलाई को ही हमने नोटिस जारी किया था। उसका उनके स्तर से अभी जवाब कुछ दिन पहले दिया गया है और उनके जवाब का जो है परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के आधार पर इसमें जो है अग्रिम कार्रवाई है वो उसमें की जाएगी। अमेठी से UP24 न्यूज़ के लिए राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट।